हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ प्लेन नान, बटर नान, बिना ईस्ट के, बहुत ही इजी तरीके से। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने लिया 2 कटोरी मैदा, आधी कटोरी दही, थोड़ी सी धनिया पत्ती, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, शक्कर, थोड़ा सा बटर और कलौंजी, और उसके बाद तेल है। मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। 2 कटोरी मैदा के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें डालूंगी। 2 कटोरी मैदा में मैंने डाला है 1/2 स्पून नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाला है 1/2 स्पून शुगर। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं है तो आप स्किप कर देना। अब मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 3/4 स्पून है। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालोगे तो बेकिंग पाउडर को 1 स्पून डालना। अब मैं डाल रही हूँ 2 स्पून ऑयल। ऑयल डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ विस्कर के साथ। अगर विस्कर नहीं है तो आप स्पून का इस्तेमाल करना, नहीं तो हाथ से आप करना। हाथ से बहुत अच्छे से होता है। हाथ से मैं इसको एकदम अच्छे से मलते हुए मिक्स कर रही हूँ ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, शक्कर, तेल, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी दही। दही एकदम गाढ़ी है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना। अब मैं इसको हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस आटे को गूंथने में मुझे आधा कटोरी दही और 1/4 कप पानी लगा है। वो डिपेंड करता है कि दही कैसी है, गाढ़ी है या पतली। आप पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, बट आटा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट नान बनने का एक ही तरीका है कि आटा एकदम परफेक्ट बने और उसको एकदम अच्छे से गूंथना चाहिए। इस आटे को मेरे को गूंथने में 5 मिनट लगा। मैंने इसको लगातार प्रेस करते हुए, मलते हुए एकदम सॉफ्ट डो बनाया है। आप डो सॉफ्ट बनाओगे तो ही आपके नान अच्छे से बनेंगे। अब मैंने ऊपर से थोड़ा सा और तेल डाला है। तेल डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तेल की जगह आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको ढक के रखूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि आटा हमारा कैसे बना है। 2 घंटे मैंने ढक दिया है। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं आटा फूल के एकदम दुगना हो गया। मैं इसमें आपको उंगली डाल के भी दिखा दूँगी। उंगली डालते साथ एकदम दब रहा है। पलट के भी दिखा दे रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं आटा एकदम जालीदार बना है, सॉफ्ट बना है। बस नान बनाने के लिए आटा परफेक्ट है। नान किसी भी टाइप का बनाओ, चाहे कुलचा नान, बटर नान, गार्लिक नान, बेसिक यही है। बस इस नान में आप जो भी फ्लेवर ऐड करोगे वो उस टेस्ट का बन जाएगा। अभी मैंने एक आटे की लोई ली है, उसके ऊपर मैंने लगाया कलौंजी, धनिया पत्ती और अब मैं इसको बेल रही हूँ। बेल के अब मैं इसके ऊपर पानी लगा के इसको सेकूँगी तवे के ऊपर। हम लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं, चाहे हम लोग कुछ भी सब्जी ऑर्डर करें, बट नान यही रहता है। नान के बिना कोई भी सब्जी कितनी भी टेस्टी हो वो अधूरी लगती है। अब मैंने इसको फॉक से थोड़ा होल किया है, तवा गर्म किया है। अब मैं नान को ली हूँ हाथ के ऊपर। हाथ के ऊपर लेके मैं इसको पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने से ये तवे के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं नान अच्छे से पक गया। अब मैं इसको पलट रही हूँ। पानी लगा के हमने प्रेस किया, उस वजह से नान गिर नहीं रहा है। अब मैं इसको अच्छे से सेक रही हूँ जब तक कि थोड़ा सा ये ब्राउनिश नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा कच्चा लग रहा है तो आप इसको गैस पे सेक लेना। बस हमारा प्लेन नान बनके रेडी है। आप चाहो तो इस पे बटर लगा सकते हो या डायरेक्ट ऐसे गरम गरम सर्व कर सकते हो। ये नान ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, इसे गरम गरम ही खाना चाहिए। ठंडा होने से उतना टेस्टी नहीं लगता है। अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ बटर नान। बटर नान बनाने के लिए फिर से मैंने आटे की लोई ली है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे मैदा लगा के इसको गोल पहले बेल रही हूँ। गोल बेल के अब मैं इसके अंदर लगाऊँगी बटर। अगर आप यहाँ पर गार्लिक नान बनाओगे तो थोड़ा सा लहसुन को खींच के बटर के साथ डालना। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ बटर नान बना रही हूँ तो मैंने बटर डाला है। बटर डाल के मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके मैं इसमें एक बार और बटर लगा रही हूँ। बटर लगा के फिर दोबारा से मैं इसको फोल्ड करके मैं बेलूँगी। ऐसा करने से ये एकदम लेयर आएगा इसमें और बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं मैदा लगाई हूँ। मैदा लगा के इसको मैं अच्छे से बेलूँगी। ना ही ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर डाली हूँ कलौंजी, थोड़ा सा धनिया पत्ती। अब प्रेस करते हुए मैं बेलूँगी ताकि कलौंजी और धनिया पत्ती अच्छे से नान में चिपक जाए। मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया है। बेल के अब मैंने रखा है तवा। यहाँ पे मैं रोटी पे नान पे पानी नहीं लगा रही हूँ। मैंने तवे के ऊपर पानी डाल के तवे को गीला कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नान। नान डाल के अब मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। ये भी एक ईजी तरीका है नान बनाने का। अब मैं स्पून से फॉक से इसमें होल कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा सिक गया है। अब मैं इसको पलट रही हूँ। पानी डालने की वजह से हमारा नान नहीं गिर रहा है। अगर आप पहली बार नान बना रहे हो तो इसी तरीके से बनाना। अब उसके बाद आप देख सकते हैं नान एकदम अच्छे से सिक गया है। मैं इसको कर चेक करूँगी। अगर थोड़ा कच्चा लगेगा तो मैं डायरेक्ट गैस पे थोड़ा सा और इसको सेक लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। बटर नान बन गया है, मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ बटर। बटर लगा के मैं पिज़्ज़ा कटर से काट के आपको दिखा दूँगी।
कटर लग गया है। अब मैं इसको काट रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से। आप देख सकते हैं अंदर से एकदम लेयर है और ऊपर से ये एकदम क्रंची है। मैं आपको क्रश करके भी दिखा दूंगी। रेस्टोरेंट में ऐसे गरम गरम सर्व करते हैं इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। आप भी इसे गरम गरम ही खाना। बस नान बन गया है, चाहे सब्जी कोई भी हो बट नान एकदम परफेक्ट है। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।